आज उस पे चल रहा था सोशल मीडिया पे कि देखो ये हालत है कि किसी को मतलब खबर की तो बात ही छोड़ो, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने कितने लाइक्स दिए उसको। तो ये व्यक्ति को जब इस तरह की कोई देश के लिए या धर्म के लिए या मानवता के लिए जब जरूरत पड़ती है हमारी, तो उस समय हमें अपने मान सम्मान की या अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति सोचता है कि अगर हमने इनका विरोध किया तो ये हमारा अपमान हो जाएगा, क्योंकि हम तो सदा फिर इनकी दृष्टि में नीचे गिर जाएंगे। अगर हमने इनका विरोध किया तो ये तो हमें रोज सताएंगे। फिर अगर हमने इनका विरोध किया तो ये हो सकता है कि हमारे धन से हमारे घर में आग लगा दें, हमारा सब कुछ अपहरण कर लें। इनसे यदि हमने विरोध किया इनका, तो हो सकता है कि ये कहीं हमारा मर्डर करवा दें, हमारे बच्चों का करवा दें, किडनैप करवा दें। ऐसे ऐसे डरता है व्यक्ति, और डरता है तो ये अपराधी बढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि उनको उनका तो काम ही यही है डराना। अगर सारा समाज, जो अच्छे लोग हैं समाज में, 99% अच्छे ही लोग होते हैं, 1% होते हैं बुरे लोग, लेकिन उनका जो खौफ है वो उन 99 के ऊपर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी बोलता नहीं है। चाहते सब हैं कि उसका नाश हो, लेकिन बोलता कोई भी नहीं है। वेद के जो मंत्र हैं, संध्या करते हैं, वहां पर भी जो मंत्र आते हैं मनसा परिक्रमा के, यो अस्मान द्वेष्टि, तो यह एक वचन है वहां पर, और असमान बहुवचन है, अर्थात द्वेष करने वाला एक है और हम ज्यादा हैं। यो असमान द्वेष्टि, यम च वयम द्विष्मे, और यम जिसको वयम द्विष्मे, हम द्वेष करते हैं। तो ऐसे तो कोई बदमाश लोग जो होते हैं, निर्लज्ज लोग होते हैं, वो तो कोई एक आदि होते हैं ऐसे पूरे इलाके में, पूरे शहर में, पूरे जिले में, और उसमें रहने वाले जो प्रजाएं हैं वो तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाते हैं उनका। तो ये जटायु से हम सीख सकते हैं। जटायु ने क्या किया? उसका विरोध किया। और रावण ने क्या किया? जटायुषम हत्वा, उसको मार दिया। मर तो गया, लेकिन कितनी गौरव के साथ मरा। मरना तो वैसे भी था, और 4 साल बाद मर जाता, लेकिन वो मौत भी उसको सदा सदा के लिए जिंदा बना के चली गई। वो जीवित रहेंगे, जब तक राम जीवित रहेंगे तब तक जटायु भी जीवित रहेंगे। तो धर्म के लिए जो अपनी जान भी दे दे, तो जब तक धर्म रहेगा तब तक वो व्यक्ति भी जिंदा रहेगा। धर्म के लिए कोई अपने परिवार को भी आहूत कर दे, तो जब तक धर्म रहेगा तब तक उसका परिवार जिंदा रहेगा। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, तो देश धर्म के लिए उन्होंने अपना परिवार ही आहूत कर दिया, और उनकी माँ को सामने बांध दिया कि वो देखे उनको दीवार में चिनते हुए, और गुरु को भी बुला लिया ताकि वो अपने अपनी औलाद को जब ऐसे दीवार में चिनता हुआ देखे जाएं, तो पहले घुटनों तक ईंटें लगाई गई, पेट तक आ गई, फिर पूछ बोले अभी भी देख लो, फिर छाती तक ईंटें चिनते चिनते आ गई। इतने मासूम बच्चे, इतने सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे, तो यहाँ तक भी जब चिंते चिंते आ गए, माता पिता दादी उनको सामने बांध के रखा हुआ है, बोले अभी भी बोलो, बोले हमारा फैसला नहीं बदलेगा। माँ की आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं। ये जो नारी है ये बहुत कोमल हृदय वाली भी है, लेकिन ये इतना ज्यादा बलवान हृदय वाली भी है कि जब ये अपने उस दैवी स्वरूप को धारण करती है तो कोई उसको डिगा नहीं सकता है। फिर वो पुरुषों पे भी, कई हजारों पुरुषों पे भी भारी पड़ जाती है, फिर कितनी क्रूरताओं पे भी वो भारी पड़ जाती है। फिर पूरे का पूरा चिन दिया, तो अपना पूरा परिवार आहुत कर दिया देश के लिए उन्होंने। लेकिन तो भी जब तक धर्म रहेगा, जब तक देश रहेगा, तब तक उनका परिवार अमर हो गया। जाना तो वैसे भी था, पता नहीं कितने बच्चे आए, कितने गए, कितने राजा रानियां आए, कितने गए। तो यहाँ जटायु का जो उदाहरण है, ये उसका अपने व्यक्तिगत जीवन का है कि उसने अपना खुद का जीवन भी धर्म के लिए न्योछावर कर दिया, क्योंकि किसी निरअपराधिनी नारी का हरण किया जा रहा था एक दुष्ट राक्षस के द्वारा, तो उन्होंने अपने मरते दम तक उसका विरोध किया।
तो इस प्रकार जटायु का वध करके रामस्य भार्यां जहार, रावण उठा ले गया। गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा हृताम श्रुत्वा च मैथिलीम राघव शोक संतप्त विललाप कुलेन्द्रियः। तो कह रहे हैं इस प्रकार जब वो उसको तो मार दिया, वो तो गया ही मरने के लिए था, मारीच जो है वो जाता रहा जाता रहा, तो श्री राम थोड़ी देर तो उसके पीछे दौड़े उसको पकड़ने के लिए। बाद में श्री राम को तो समझ में आ गया कि ये तो कोई प्राणी तो है नहीं, क्योंकि वो कभी किसी झाड़ी में छिपता, अदृश्य हो जाता, फिर तुरंत प्रकट हो जाता, फिर अदृश्य हो जाता। तो फिर उन्होंने समझ लिया कि ये जरूर कोई असुर है, मायावी असुर है ये, अगर कोई प्राणी होता तो अदृश्य कैसे हो सकता था। तो उससे पहले उन्होंने अपना बाण नहीं चलाया था, क्योंकि वो पकड़ने के लिए गए थे, मारने के लिए नहीं गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो कोई मायावी राक्षस है, तो राक्षसों का वध करना वो तो उनका मिशन ही था, तो उन्होंने तुरंत अपने बाण के ऊपर, जो धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और उसका वध कर दिया। तो जब वो मरा तो उसके मुख से निकला, हाय राम हे लक्ष्मण। तो वो भी उसकी चाल ही थी, कुटिल नीति ही थी। तो राम कहा इसलिए तो उसका कल्याण हो गया, और उसने कहा हाय लक्ष्मण, जोर से चिल्लाया और श्री राम की आवाज में ही चिल्लाया। तो इधर सीता को लगा कि कोई उनके ऊपर आपत्ति आई है, तो लक्ष्मण उधर जा रहे हैं उस वन की तरफ, और श्री राम उसको मार के वापस आ रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम क्यों आ गए, उसको तो मैंने मार डाला, वो तो मारीच नाम का असुर था, तो उसने तो मरते समय स्वयं स्वीकार किया कि मुझे तो रावण ने भेजा है, और तुम अब वापस अपने आश्रम में अपनी कुटिया में जाओ, आप मैथिली को संभालो, कहीं उसको कोई हानि ना हो जाए। तो पूछते हैं कि आप उसको क्यों अकेला छोड़ के आए। तो फिर जब दोनों वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं, गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा, जटायु गिद्ध तो वहां पर मरा पड़ा है। गृध्र की स्पेशलिटी ये होती है कि उसकी दृष्टि जो है ना वो बहुत दूर तक देखने वाली होती है। तो इन्होंने, इन्हीं के ही जो भाई थे उन्होंने ही हनुमान जी को बताया था कि सीता माता कहाँ है, क्योंकि समुद्र, जहाँ पृथ्वी का अंत आ गया समुद्र आ गया, तो वहाँ हनुमान जी तो बैठ गए थे शोक संतप्त होकर के कि भाई मैं तो सीता माता की खोज तो कर नहीं पाया, और अब मैं बिना कार्य की सिद्धि किए अपने स्वामी को जाकर के क्या मुंह दिखाऊं खाली हाथ जाकर के। तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहीं अग्नि समाधि ले लेता हूं, अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर देता हूं। क्योंकि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए शरीर धारण करते हैं, तो उनका एक नारा होता है, देहम वा पातयेयम लक्ष्यम वा प्राप्तयेयम, या तो मर जाऊंगा या तो कर जाऊंगा, या तो शरीर मेरा नष्ट हो जाएगा या तो लक्ष्य को प्राप्त कर जाऊंगा, उसके अतिरिक्त इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है अगर वो लक्ष्य नहीं मिला तो। तो यहाँ श्री, इनको हनुमान जी को भी यही लग रहा था कि भाई जब मैं श्री राम का कार्य ही नहीं कर पाया तो ऐसे शरीर को बचा के भी क्या करूंगा। तो उन्होंने ही बताया था वो 100 योजन देख सकती है उसकी दृष्टि। तो ये बात पक्षी के लिए भी कही जाती है, उसकी दृष्टि भी इतनी दूर दृष्टि होती है। पहले तो पृथ्वी के ऊपर जब कोई पशु मर जाता था तो गिद्ध पक्षी आकाश में उड़ते थे बहुत ऊंचाई के ऊपर, जहाँ फ्लाइट उड़ती है उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे वो उड़ते हैं, लेकिन ऊंचे उड़ते हुए भी उनको पृथ्वी पे वो जो मृत प्राणी है वो दिख जाता था, और उसको खाने के लिए वो नीचे आ जाया करते थे। दूसरा इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जो इस प्रकार के तपस्वी होते हैं, जो इस प्रकार के योगी होते हैं, संत जन होते हैं, तो उनकी दूरदृष्टि होती है। पहले वो ये देखते हैं कि जो काम कर रहे हैं इसका आगे क्या परिणाम आएगा, तो वो इस समय के सुख भोग को नहीं देखते हैं, इन सुख भोगों का, यहाँ के जो क्षणिक सुख भोग हैं इंद्रियों के, इनका परिणाम क्या होगा वो भी उनको दिख जाता है, जो ये सारी दुनिया का हो रहा है वही मेरा होगा। और यदि मैं श्रेय मार्ग पे चलूंगा, आध्यात्मिक मार्ग पे चलूंगा, तो इसका परिणाम क्या होगा उसको भी वो देखता है। कि जैसे
लाखों लाखों ऋषियों ने इस मार्ग पे चल के जिस सुख को पाया वो ही परिणाम मेरे लिए भी होगा। तो यहाँ वो वाली दृष्टि भी है उनके पास, यदि वो कोई ऐसे तपस्वी व्यक्ति हैं तो यहाँ उनके पास इतनी तीक्ष्ण दृष्टि है कि मैं मर भी जाऊंगा यदि तो भी मैं अमर हो जाऊंगा, इससे बड़ा इस शरीर का सदुपयोग और क्या हो सकता है कि मैं धर्म युद्ध करते हुए इस शरीर को नष्ट कर दूं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा भोक्ष्यसि महीम। अगर तू युद्ध करते हुए मर जाएगा तो वीरगति को प्राप्त होगा, स्वर्ग के दरवाजे खोलेंगे तेरे लिए, और यदि युद्ध में जीत जाएगा तो इस ऐश्वर्य से संपन्न सारी पृथ्वी के ऊपर राज करेगा, इसका भोग करेगा। तो तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, धर्म पर चलने वाले, सत्य आचरण करने वाले, सहन करने वाले, क्षमा करने वाले, प्रेम करने वाले, करुणा करने वाले, सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। करते हुए भी उनकी आत्मा को शांति मिलती है, श्रेष्ठ आचरण। शरीर को तो कष्ट होता है, आत्मा को शांति मिलती है। इंद्रियों को तो कष्ट होता है लेकिन हृदय को अच्छा लगता है। तो करते हुए भी अंदर से एक शक्ति की अनुभूति वो करता है और उसके परिणाम का भी अच्छा ही आएगा। अच्छा बीज बोया है तो परिणाम भी निश्चित रूप से अच्छा ही आएगा, तो दोनों ही दृष्टि से अच्छा है। तो ऐसे ही यहाँ गृध्र की भी, जटायु की भी दूर दृष्टि है, इसलिए उन्होंने युद्ध करना उचित समझा है। तो जब ये वापस आ रहे हैं तो निहतम च गृध्रम दृष्ट्वा, गिद्ध को तो उन्होंने मरा हुआ पाया वहां पे, और श्रिताम च मैथिलीम श्रुत्वा, पहले वो निहत हैं मतलब पूरे मरे नहीं हैं, अभी मरने के पास हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि मैथिली का हरण हो गया है, हृताम च मैथिलीम श्रुत्वा। नहीं तो उनको कौन बताता, गृध्र ने ही बताया उनको कि ऐसे ऐसे ये जो मारीच नाम का मायावी राक्षस था तो ये इनकी चाल थी, ये आप दोनों भाइयों को दूर लेके गया और इसके साथ ही रावण इधर आया था, और वो रावण मैथिली को, मिथिला में पैदा होने वाली मैथिली, तो माता जानकी को, सीता माता को वो हर के ले गया है। तो हृताम च मैथिलीम श्रुत्वा, मैथिली का हरण सुन करके, निहतम च गृध्रम दृष्ट्वा, और निहत हुए, आहत हुए माने बहुत ज्यादा वो मृत्यु के समीप था, इतना आहत था। माना कि ये संदेश देने के लिए ही उसकी सांसें बची हुई थी और ये संदेश देते ही वो प्राण छोड़ दिया उन्होंने। राघव शोक संतप्त, तो ये दोनों ही ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं थी, मतलब एकदम से, क्योंकि अभी 13 वर्ष तो पूरे हो चुके थे, मात्र 1 वर्ष बचा था, तो लगभग लगभग अपने मिशन के पास पहुंच गई थी, क्योंकि मिशन था इनका असुरों का नाश करना, तो उनमें से एक रावण वाला नाश करना केवल बाकी बचा था। तो कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति काफी साधना कर लेता है, काफी लंबी लंबे संघर्ष को पार कर लेता है लेकिन फिर छोटी सी जगह पे अटक जाता है। तो जैसे जैसे पहाड़ की चढ़ाई बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे वहां पर ताकत भी ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है, और वैसे वैसे वहां उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। इसलिए जितनी जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा तो उतनी उतनी उसको ज्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। छोटा सा चढ़ाई चढ़नी है तो सामान्य व्यक्ति भी चढ़ जाएगा, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है, और आदमी उस समय हिम्मत हारता है। जो लोग वहां पर पहुंचे, एवरेस्ट पे पहुंचे, तो उन लोगों ने अपने जो अनुभव सुनाए कि बस मात्र हमारे से 10 20 30 फीट की ऊंचाई बाकी बची थी, और उस समय हमारी हालत ये हो गई कि प्राण अब गए तब गए। उस समय रास्ता इतना तंग हो गया कि अब
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो जब ऐसे बोलते हैं कि जब बहुत ज्यादा घनघोर काली घटाएं छा जाएं और ऐसे लगे कि इस संसार में सूर्य का तो अस्तित्व ही नहीं है, सूर्य को पता नहीं कहाँ छिपा देती हैं वो काले घने बादल, तो समझ लेना कि अब जल्दी ही बारिश आने वाली है। जब जब हों बादल घने, तब तब बारिश की आश। जब जब जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष आ जाएं, बहुत कठिनाइयाँ आ जाएं, बहुत आप अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ समझें, तो समझना कि कोई बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है आपके लिए। श्री अरविंद ने भी एक जगह अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब आपके लिए संसार के सब दरवाजे बंद हो जाएं और आपको ये लगे कि अब तो सब कुछ डूब चुका है, बिल्कुल डूबने ही वाला है, बस एक क्षण बचा है, पूरा का पूरा जहाज डूबने वाला है, बोले उसी क्षण हिम्मत मत हारना, तब सब कुछ बचा लिया जाएगा, उसी क्षण सब कुछ बचा लिया जाता है। तो ऐसी भगवान की व्यवस्था है कि जो उसके नाम के ऊपर अपने जीवन को छोड़ता है और उसके भरोसे पर, उसकी न्याय व्यवस्था के ऊपर, वो एक ईमानदारी का, सच्चाई का, पवित्रता का, सेवा का, समर्पण का, अभीप्सा का जीवन जीता है, तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगते हैं, उसके ऊपर अत्याचार भी बहुत होते हैं, उसको बहुत अपमान भी सहन करने होते हैं, लेकिन भगवान उनको नष्ट नहीं होने देते हैं। नमे मे भक्त प्रणश्यति। श्री माता जी जो श्री अरविंद आश्रम में रहती थी, उन्होंने एक जगह लिखा है कि आज लोग मेरे को एक दिव्य आत्मा समझते हैं, एक अवतारी आत्मा समझते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में विष के घूंट नहीं पिए, विष के घड़े पिए हैं, अपमान के घूंट नहीं पिए मैंने कि एक दो ग्लास पिया होगा या एक दो घूंट पी होगी, अपने जीवन में घड़े के घड़े अपमान के सहे हैं मैंने, माने अत्यंत अपमान सहा है। किसी एक व्यक्ति को मैंने सुना, बोले मैंने जो जितने अश्रु भगवान के लिए निकाले हैं, उन सब को यदि इकट्ठा किया जाए तो एक तालाब बन जाएगा, इतना ज्यादा मैंने किया है। तो ये जब जब भी मतलब इस तरह का जीवन में ऐसा वो बने, तो श्री राम के 13 वर्ष तो पूरे हो चुके थे, तो अभी तो बिल्कुल मंजिल के पास ही थे, लेकिन उसी समय ये ऐसा हो गया कि मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं है कि सीता माता का हरण होना एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी कितने अपमान की बात है और कितने दुख की बात है, और यहाँ तो ऐसी जो प्राण के समान हित करने वाली पीछे आया सीता माता के लिए, जो विशेषण आया कि वो श्री राम का कैसे हित करती हैं प्राण की तरह, यहाँ आया था देखो। ये श्लोक नंबर 26 में, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता। जो प्राण के समान हितकारी, प्राण ही तो हमारा हित कर रहा है, जीवन को आगे बढ़ा रहा है, तो इतना हित करने वाली और इतनी अनुकूल पत्नी का यदि हरण हो जाए, तो ये दोनों दृष्टि से चुनौती है श्री राम के प्रति, उनके प्रेम को भी चुनौती है, उनके पौरुष को भी चुनौती है, और वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उनके रक्षा करने वाली शक्ति की भी वहां पर चुनौती है। तो यहाँ पर राम क्या है, शोक संतप्त, राघव है शोक संतप्त, विललाप, कुल इंद्रिय, कुल इंद्रिय माने तमाम इंद्रियां, सभी इंद्रियां उनकी विललाप, विशेष रूप से विलाप कर रही हैं, माने अत्यंत दुखी हो गए हैं श्री राम। जो श्री राम पिता की मृत्यु होने पर, राज्य छिनने पर, वनवास होने पर, या कितने राक्षसों ने तंग किया, उन सारे दुखों के आने पर कभी उनके चेहरे के ऊपर शिकन नहीं आया, वो श्री राम यहाँ पर विललाप, विशेष रूप से विलाप कर रहे हैं। शोक संतप्त,
अत्यंत शोक से संतप्त हो रहे हैं। तो जो इतनी सेवा करने वाले, इतना पवित्र जीवन जीने वाले, इतना मर्यादित जीवन जीने वाले, इतने माता पिता की, ऋषियों की, संतों की सेवा करने वाले, नीतिमान, धृतिमान, द्युतिमान, क्या क्या विशेषण आई श्री राम के पीछे हमने जो पढ़े, इतने एक आदर्श महामानव की भी अगर किसी समय विशेष में ये स्थिति हो सकती है, तो फिर आप हम तो किस खेत की गाजर मूली हैं। माने हमारे सामने तो थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आते ही यदि हम कभी शोक संतप्त हो जाते हैं, तो हमें उस समय ये सोचना चाहिए कि ये स्थायी नहीं है, ये आ गया एक बहते हुए झोंका, ये भी चला जाएगा। तो यहाँ पर राघव भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, शोक संतप्त। एक तो उनको ये शोक है कि जिस व्यक्ति ने मेरी पत्नी की रक्षा करते हुए युद्ध किया, मैं उसको नहीं बचा पाया, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो वो उनके सामने, आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ जो मेरे लिए, मेरे सुख के लिए अपने सारे सुखों का त्याग करके मेरे पीछे पीछे वन में चली आई थी, इतना हित करने वाली, इतनी अनुकूल पत्नी की भी मैं रक्षा नहीं कर पाया, तो इस दृष्टि से वो शोक संतप्त हैं। क्योंकि जो ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, तो कभी भी वो किसी भी परिस्थिति में उनकी हार नहीं होती, पराजय नहीं होती है। और अगर उनको कभी एक क्षण के लिए भी ऐसे लगे कि भाई ये तो बड़ी, बहुत बड़ी चुनौती है मेरे सामने, तो फिर उनको बहुत ज्यादा व्यग्रता होती है मन में। ततः तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाण वने सीतां राक्षसं संददर्शः कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम तम निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च सह। तो कह रहे हैं ततः, तो थोड़ी देर तो उनकी कुलेंद्रिय, सभी इंद्रियां विललाप करने लगी, बहुत ज्यादा वो व्याकुल हो गई थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन फिर अपने कर्तव्य के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। तो ये यहाँ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि चलो कभी यदि हमें ऐसा कहीं अज्ञान का, अंधकार का, अपमान का, कहीं प्रतिकूलता का सामना करना पड़े और हमें ये कभी ये लग जाए कि अब नहीं उठा जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा तो भी फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप को हमें संभाल लेना चाहिए, जैसे कि श्री राम ने अपने आप को संभाल लिया। आत्मना एव आत्मना बंधु, कोई दूसरा आके संभालेगा हमें, ऐसी हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ इनको पता है कि वन में कौन आ करके अब हमें ढांढस बंधाएगा, कौन आ करके संभालेगा, हमें खुद ही संभालना है अपने आप को, हमें खुद ही अपने कर्तव्य का चयन करना है। तो ये बात केवल श्री राम के लिए नहीं है, हम सब आत्माओं के लिए है। हर व्यक्ति को अपना उद्धार खुद ही करना पड़ता है, और जितना जितना हम दूसरे के डिपेंड रहेंगे ना, उतना उतना हमारा कष्ट और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। घर में कभी पति पत्नी किसी बात को लेकर के, या बच्चे किसी बात को लेकर के, या कोई भी व्यक्ति जो जिनका आपस में संबंध है, किसी बात को लेके जब उनका झगड़ा हो जाता है, जैसे सुबह झगड़ा हुआ, तो फिर अब पत्नी अपनी ड्यूटी पे चली गई, पति अपनी ड्यूटी पे चले गए, और दोनों पूरे दिन भर ये वेट करते हैं कि शाम को जब वापस आएंगे तो वो मेरे से सॉरी बोलेंगे, तब मैं ठीक होऊंगी। तो पत्नी भी यही सोचती है दिन भर और अपने आप को कष्ट देती रहती है, पति भी यही सोचता है, और शाम को जब दोनों घर आते हैं तो फिर दोनों का अहंकार ये कहता है कि पहल इसको करनी चाहिए, पहले ये सॉरी बोलें, दूसरे को भी लगता है पहले ये सॉरी बोलें। अब घर आने के बाद आमने सामने हैं तो भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि अहंकार कहता है कि इन्होंने मेरे को दर्द दिया था ना, तो ठीक भी तो यही करेंगे, ये एक बार सॉरी बोल दें तो मैं सारा भूल जाऊं। और उनको लगता है कि झगड़ा इन्होंने तो किया था, अगर ये एक बार कह दें कि मेरे से गलती हो गई तो मैं सब भुला दूंगा, क्षमा कर दूंगा, लेकिन बोले कौन। तो कभी कभी तो बच्चे करवाते हैं उनकी बातचीत, लेकिन कभी ना कभी करनी पड़ती है, तो दोनों में से एक को तो झुकना ही पड़ेगा। तो जब देर या सवेर
और झुकता वो है जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ये पहचान है। तो जब हमें ये पता लग जाए कि भाई ये मेरे मन को मुझे ही ठीक करना है, तो फिर पूरे दिन भी दुखी करने से उस दुख को बढ़ा के फिर भी तो ठीक किया ही, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि उसी समय मतलब जितना जल्दी हो सके अपने आप को संभाल लें, अपने आप को ठीक कर लें और परिस्थिति को भी ठीक कर लें। अगर वो चेंज करने योग्य है, उस चीज़ को यदि बदला जा सकता है, तो फिर कैसे बदलें, अब करना क्या है, ये क्यों हुआ, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं समय बर्बाद करना चाहिए। हो तो गया जो भी हुआ, अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा चिंतन मनन करना चाहिए। मेरे कपड़े के ऊपर कोई दाग लग गया, किसी ने कोई चीज़ डाल दी, किसी ने चाय डाल दी, अब वो चाय चाहे मैंने डाली या दूसरे ने डाली उसकी कोई बात नहीं, डल गई ना, लेकिन अब तो अब इस दाग को निकालना कैसे, इस गंदगी को साफ कर कैसे करना है, ये सोचना चाहिए, बजाय इसके कि उस व्यक्ति के साथ झगड़ा करने से, आपने मेरे को धक्का मारा इसलिए मेरे हाथ से गिरी, या आपने गिरा दिया क्यों गिरा दिया कैसे गिरा दिया, तो उससे तो कुछ ये तो घटेगा नहीं, अब ये तो गिर चुका है। जो परिस्थिति आ चुकी है हमारे जीवन में उसको नहीं बदला जा सकता है, उसको वापस कैसे ले जाओगे आप। जो क्षण इस समय वर्तमान में चल रहा है वो कभी भी भूतकाल में नहीं जाएगा, आप उसको दोबारा किसी युवा व्यक्ति को बच्चा बनाया जा सकता है क्या, कभी भी नहीं। एक बार जो युवा बन गया अब वो वृद्ध तो बन सकता है, वापस बच्चा नहीं बन सकता है। एक बीज से जो अंकुर निकल गया अब वापस उसको बीज नहीं बना सकते हैं आप, अब तो वो बड़ा वृक्ष बनेगा, फिर उसके ऊपर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, उन फलों में से उसका जैसा ही बीज निकलेगा। तो अब तक तो अभी तो वहाँ वेट करनी है और इसको बड़ा करने की कोशिश करनी है, जो बीज चाहिए तो अब बीज को निकालने की, कि मुझे तो जमीन में से वही मेरा वाला बीज चाहिए, मुझे तो वही प्रेम चाहिए जो शादी वाले दिन करता था, वो दिन आएगा ही नहीं वापस। अभी आज की डेट में, आज की इन परिस्थितियों में ये कैसे सुलझ सकता है, मेरे को तो वही वाली सास चाहिए जो मैं पहले दिन शादी करके आई थी और जो मेरी आरती उतार रही थी थाल लेकर के, वही चाहिए। ये वो तो बीत गई, कितने दिन कितने वर्ष हो गई, आज वाली को कैसे डील करना है ये देखना पड़ेगा। मेरे को तो वही वाली बहू चाहिए जिसने आते ही मेरे चरण छुए थे और मेरा इतना सम्मान करती थी, वो तो गई, वो आ ही नहीं सकता है वो दिन। आज वाली जो सामने है उसको कैसे हैंडल टैकल करना है उसकी बात सोचो। तो यहाँ श्री राम का चरित्र दिखा रहा है, तथा तेने व शोकेन गृद्धम दग्ध्वा जटायुषम, शोक से संतप्त तो हुए लेकिन तुरंत अपने कर्तव्य को उन्होंने पहचाना कि अब मेरा कर्तव्य ये है कि जिन्होंने मेरे लिए मतलब मेरी पत्नी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो सीता को बाद में देखेंगे, पहले मुझे इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए, इनकी अंत्येष्टि करनी चाहिए, नहीं तो ये भी कभी, ये तो मर ही चुका बाद में देख लेंगे इसको, तो पहले सीता को खोजें, ऐसा नहीं किया। तो ये होता है अपने कर्तव्य का चयन करना अधिकार से पहले। तो बड़ा सुंदर और हृदय स्पर्शी प्रसंग चल रहा है, इसकी कल चर्चा करेंगे, आज यहीं इसको विराम देते हैं। ओ शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।